क्या बन रहा है ये बता देना। डबल प्योर वीगन रैप बन रहा है, क्या सड़ला फॉर्मेशन में होता है, एक बीफ का वीगन स्लाइस होता है वीगन कट के ऊपर। आगे रे टीशर्ट में काम नहीं, आजा। ये स्टेक की पैटीज होती है, ठीक है। ये स्टेक ग्रिल से करना, बहुत ऑप्शनल है इसमें, आपको सिंगल पैटी डबल पैटी दोनों अवेल कर सकते हैं। टू साइड कवर्स का मिक्स होता है, वन साइड में इसके लेटेस यूज होता है, एंड देन उसी के टॉप पे हमारे बेक फ्राइज आते हैं जो कि क्रंची वे में यूज़ करते हैं। ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं होता ना इसके मीट के अंदर और ना ही इसके फ्राइज के। हमारा बेकन था, हमने स्टीम करके इसके लास्ट जो साइड है ना उसमें पुट कर दिया। उसके ऊपर 20 ग्राम के स्पाइसर के बेस पे यूज़ कीजिए। रैप के ऊपर ऑप्शन है, अगर आप उसके स्पाइस में असेंबली करवाना चाहें तो स्पाइस बन जाता है, और नॉन स्पाइस करवाना चाहें तो नॉन बन जाता है, आपके टेस्ट बड के मुताबिक इसकी असेंबली हो जाए। मेरा बिल्कुल माइल्ड स्पाइस में स्मोकी बारबेक्यू सॉस और रेड हॉट सॉस की प्रिपरेशन की गई है। हमारा क्लॉक वाइज रैप होने के बाद पूरा कैसेडर ट्राइंगल बन जाएगा, फर्स्ट बाइट टू लास्ट बाइट आपको ओवरऑल मील करनी पड़ेगी। रियल टाइमिंग मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स होता है, जब तक हम अपना दूसरा रैप प्रिपेयर करेंगे इसकी भी टॉपिंग होने वाली है 10 इंचेस की बॉटिंग ऑफ ब्रेड के ऊपर। आने वाले हमारे आइसबर्ग क्लियर एंड बीक पोटेटोज, अरबियन फॉर्मेशन है तो बीक पोटेटोज यूज होते हैं, अथवा अगर आप इसको नहीं यूज़ करवाना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। ये टेंडरलाइन चिकन है जिसका पार्ट जो है बिल्कुल स्मूथ होता है, यानी आप इसमें कोई हार्डनेस नहीं होती और इसको विदाउट ऑयल इसके अंदर क्रमिंग कोटेड की गई। वन साइड होने के बाद हम इसके साइडर मीट यानी सपोर्टेड मीट को यूज करेंगे, जो है हमारे चिकन सॉसेजेस, इसकी जो रॉ बॉडी है वो केनस ही होती है। हमारी डायनामाइट सॉस जिसकी लेयर जो है स्पाइस फ्लेवर को डेवलप करने के लिए इसके अंदर यूज करी जा रही है पेपर ब्लास्ट सॉस, जिसका स्मोकन फ्लेवर है। एंड देन ये हमारा सॉसी रात कोल्ड होने जा रहा है, इसका जो साइज है वो नॉर्मली सिंगल सर्विंग के लिए सेम। ये वाली टॉर्टिला भी हमारी 2 to 3 मिनट दोनों साइड कोल्ड होने के बाद आपको सर्व कर दी जाए। फर्स्ट स्टेप का आपको इंटरफेस दिखाएंगे, बड़े बड़े क्लिप हमारी मील जिसके अंदर हमारा एक प्रीमियम रैप और हमारे कैस्टर की टॉपिंग देख सकते हैं। जो मील है आपको पूरा मीट से फुलफिल मिलेगा और बिल्कुल भी आपका एम्प्टी रॉ प्रोडक्ट नहीं है। Thank you.
बैंक आएगा आगे।